आगे खोलो। क्या बंदा भाई बेटा, है। मैं इतना मार दूंगी, इतना मार क्या दूंगी, खर्चा कर दिया मैंने? नहला दूंगी मार मार के। Hey guys, what's up and welcome to today's video. तेज तो नहीं था जो भी था आज की एक वीडियो होने वाली है बहुत अच्छी। हमारी सारी वीडियो होती है, मैं रोज कहती हूँ बट कोई बात नहीं। आज की वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। इन लोगों को, ये लोग क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में, आज हमें वो पता चलेगा, ठीक है? तो आज हम लोग, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो देखता है कि ये लोग कैसे जवाब देंगे। ओके, मैं समझ गई थी। हाँ, इतनी सी है, काबू में ही नहीं आ रही है ये। थोड़ा मेरे को थोड़ा यू नो वो हो रहा है। मेरे को पता है लास्ट वीडियो में इन्होंने पूरा घुमा दिया था तो आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है? अब इन दिनों की हो जाएगी आंखें बंद और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको लगता है आप उसकी तरफ उंगली कर देना। वो ऐसा करती है, मैं करती हूँ। नहीं, उंगली करनी है आप दोनों को। जैसे कि अगर मैं जैसे मैं कहूँ सबसे फालतू कौन है, तो आपको क्या लगता है मैं हूँ या वो है हम दोनों के बीच में? हाँ, हाँ, मतलब अरे यार, तीनों के बीच में नहीं, दोनों के बीच में। थोड़ा आगे से कर लेना, मैं बीच में नहीं आने चाहिए। ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। अच्छा बताओ कि लड़ाई के बाद सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आगे खोलना जरा। कितनी खराब है रीमा, आज तक लड़ाई करके ना ये कभी बेड पे जाके मुंह घुमा के लेट जाएगी, कभी रसोई में चली जाएगी, एक बार सॉरी नहीं बोला। और अंदर जाके ड्रॉर में से स्नैक्स खाने। क्या हो गया रीमा? और अंदर जाके ड्रॉर में से स्नैक्स खाने लग जाएगी, किचन में जाके खाना। हाँ। एक बार बताओ आपने कब सॉरी बोला? हर बार बेटा, हर एक बार मैक्सिमम 10 मिनट के बाद मैं अंदर आके बोल देता हूँ कि चल छोड़ ना। वाह क्या सीन है। वो शुरू में बोल रहे थे अब तो भाई साहब मैं नहीं, दो घंटे रोलू बंद। एक लाइन मुझे याद है कि यार चल ठीक है कोई नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद, ठीक है? अब बताओ कि फनी कौन है दोनों में? आगे खोलना। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? दोनों भी एक दूसरे के बारे में उल्टा ही सोचता है भाई। तू कितना तेज बोलेगी? ये क्या हो रहा है? नहीं फनी तो मैं हूँ, मैंने सोचा हाँ। आप कहीं मुझे कह दो इसलिए मैंने आपको कहा। देखो आपको वो कहना है कि जो सही हाँ। है सही सही जवाब देना है, बेशक इसके ऊपर हाथ रख के कसम खा दे इसके सर। नहीं झूठ बोले निमट जाएगी। सबसे ज्यादा पेशेंस किस में है? यो ओपन योर आईज। पेशेंस मुझ में जीरो पेशेंस है। मैं रोते खा देती हूँ। खा देती हूँ ऐसे टाइप से बोला, आग देती हूँ मतलब कि खा लेती हूँ। नहीं मुझ में सच में जीरो पेशेंस है, अगर कोई मुझे उल्टा बोल दे तो मैं तुरंत उल्टा बोलना है। मैं मतलब वेट नहीं करती नहीं जी, अगर कोई उल्टा बोले तो सबसे पहले आप ब्लॉक करते हो और नंबर डिलीट करते हो, ठीक है? अब बताओ अब बताओ कि दोनों में से जिद्दी कौन है? चल ठीक है यार। Open your eyes. मैं सच बोल रहा हूँ। मैं भी सच बोल रही हूँ। हाँ, इससे पता चला है इससे पता चला है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताओ कि जब दोनों बीमार होते हो तो केयर कौन ढंग से करता है? ठीक है आगे खोलो। दिक्कत ये है कि वो बीमार नहीं पड़ती यार, मैं कैसे करूँ? यह बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं रोज बीमार देखती हूँ बहन को। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा वहाँ दर्द हो रहा है। वो ओए ऐसे तो ओ ऐसे तो मेरी दीदी है भाई। नहीं ना ना, वेट 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 अ मिनट, वेट अ मिनट। रोज हाथ पर कौन दबवाता है? हाँ बता। एक मिनट भी देख लेगी, चुप हो जाओ। आज देखा जाएगा, तू बता आज। आज अब फैसला हो जाए, आज वीडियो के बाद ही जूत बजाएगा घर में। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नहीं एक मिनट सुनो, आप देखो जो पहले आंसर दिया है वो वीडियो के लिए परफेक्ट है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये पिछले 1.5 महीने से जबरदस्ती यहाँ नहीं पे ना। ये हाँ। हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। कुछ भी रीमा, माइक उतार दे, जा रीमा, ये वीडियो करके जाऊंगी मैं। अभी छोड़ा है, सुबह जाने वाली ना, वैसे अभी छोड़ा परसों का लग रहा लोग दो। रिवा, रिवा जा रही है तू। सबसे ज्यादा खिंडाके कौन रखता है? ये अरे आप आंसर नहीं बदल सकते, आप फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ। सबसे ज्यादा चीजें खिंडाके कौन रखता है?
खोलो। देखो आप मुझे बोलते हो झाड़ू मत लगा, नाक में घुस रहा है झाड़ू मत लगा, आग में घुस रहा है मास्क दे दे मुझे झाड़ू मत लगा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, मेरे उठने से पहले जो मर्जी कर ले। ये तो नहीं बोले ना कि तू सफाई मत कर। हाँ हाँ यार सब में हम गोल है क्या? गोल का है क्यों है? एम्पैथी मत, बहुत तेज हो रहा है। चलो नेक्स्ट। ठीक है तो आप हो, मान रहे हो ना? चलो ठीक है। सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? आगे खोलो। क्या बंदा है भाई? बेटा मैं इतना मार दूंगी, इतना मार दूंगी। क्या खर्चा करते हैं? मैंने नहला दूंगी मार मार के। खर्चा कौन करता है? बच्चा का। चल नहा, चल नहाने चल, चल नहाने चल, मैं नहलाऊंगी बच्चा। इतना मतलब फालतू का खर्चते हैं। मैंने मैंने क्या खर्चा कर दिया? क्या खर्चा कर दिया? अब मैं सब बताऊं इधर? तो बताने में क्या हो गया, बता दे। अब फाइनल बता दो, लड़ो मत यहाँ पे। एक बात बता, रोज गोलगप्पे किसको चाहिए होते थे? गोलगप्पे इज नॉट खर्चा, वो स्पीकर इज खर्चा, एलेक्सा इज खर्चा, नए नए फोन इज खर्चा। ये खर्चा थोड़ी ना है। हाँ। ये तो मतलब एक ऐसी चीज है भाई जो बहुत टाइम तक चलेगी। गोलगप्पे तो सुबह निकाल देती है। तुम खाए ना बंदा, खाना खर्चा नहीं होता। अरे तो खाना खाओ ना। खाना होता है पेट में लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इतना नहीं लगना चाहिए, इतना नहीं। इसका आंसर बता दो, क्या है फाइनल आंसर? क्या ये करता है खर्चा? इस बार मैं मानूंगी नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में मान चुकी हूँ। दैट मींस दोनों करते हैं। मैंने मान लिया, चल ठीक है। देखा मैंने कहा था बेकार हो रहा था यार। ठीक है तो प्यार प्यार में मान गया तू ये? अबे प्यार बताऊं भी। दोनों का मान लेते हैं। तैयार है आदमी, मान लेते हैं कि हम दोनों करते हैं। मैं उड़ा जा रही हूँ, दोनों करते हैं कि मेरा फैसला है। नहीं नहीं सुन, ये सही है, ये सही है, सुन। जो सच्चा वो सच है, सिर्फ एक वो नहीं आता। अब देखो लॉकडाउन में वो नहीं मिल रहे गोलगप्पे, तो इन्हें फाल से चाहिए, तो इन्हें फाल से चाहिए। कितनी सही लड़की है यार ये, वो कितनी सही लड़की है यार ये। बताओ कोई मजा नहीं था। दस रुपए पांच सालों दस के नहीं थे, सालों के चीज पे आ रही है। दस के नहीं थे। ना 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 ना, ऐसे तो मैं भी सेवा करती हूँ, बीमार होते हो तो। सेवा की बात कहाँ गई इसमें? जो पहले क्वेश्चन था अभी जा रहा था, जो पहले क्वेश्चन मेरे से पूछ लो, बंदी लग रही है दिल पे। हाँ मेरे दिल पे क्यों ना लगे बताओ यार। तो मैं मान तो गया कि मैं खर्चा करता हूँ। 10 रुपए गोलगप्पे खाऊंगी, अब देख लेना तुम। बाद में पता है वीडियो के बाद क्या खाएगी? 20 के खाऊंगी। व्हाट व्हाट द फक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पिज्जा से प्यार किसे है? तू इस क्वेश्चन को ना ऐसे पूछ सकती है कि सबसे ज्यादा सस्ता पिज्जा कौन खाना पसंद करता है या सबसे ज्यादा महंगा पिज्जा तुम मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है तो अपने क्वेश्चन खुद लेके जाएगा। यहाँ मेरा क्वेश्चन बदलवाए जा रहा है। पक्का? अरे यार ये मोटे नहीं समझ पा रही यार किसे। आप आके बंद करो ना, वो तो वो कर दिया। आप आके बंद करो। हाँ बताओ, अभी दीदी टेस्ट ले रही है यार। ओके खोलो आके। ठीक है, बात पता है क्या है? बात यह है कि पसंद तो मेरे को भी बहुत है, लेकिन हमेशा बोलती ही है खाने की। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अपने पे क्यों। इसका मतलब मेरी बहन ज्यादा खर्चा नहीं करती, मेरी बहन से एक साधन बनती है। कितनी बेकार है। सही बात है यार। अब मेरे को ऐसे बेकार है, कितनी बेकार। अरे मैं दोनों की साइड हूँ यार। इसको भी मिलता है ना एक पीस। ठीक है, सबसे ज्यादा सरप्राइजेस कौन देता है? ओपन योर आई यार, क्या सरप्राइज है? आज छोले पूरी बनाई मैंने इनके लिए। ले, जो मैं नहीं खाता वो बना के या ने सरप्राइज दे दिया। बता, मैं काले छोले नहीं खाता वो दे दिया सरप्राइज। और सुबह दो घंटे तक ये, मैंने आज कुछ नहीं बनाया, मैंने आज कुछ नहीं बनाया, जबरदस्ती सरप्राइज बना दिया। मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने कहा नहीं तूने कुछ तो बनाया, तूने गेट बंद कर रखा था, जबरदस्ती का सरप्राइज क्रिएट कर दिया। बता देती तो हूँ, कोशिश तो करती हूँ अपनी जान में।
कोशिश सवाल नहीं था इसका, कौन देता है ये सवाल? अच्छा क्या दिया आपने सरप्राइज? मैं जब भी देता हूँ मैं सरप्राइज ही देता हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा बच्चे किसे पसंद है जो अभी तक हुए नहीं? यार वो तो दोनों को पसंद होंगे ना यार, मेरे को नहीं पता। बताओ दोनों क्या सोचते हो कि किसे पसंद होंगे, मुझे या फिर इन्हें, या मुझे या फिर उसे? मैं बता देता हूँ। चल ठीक है, इसके बाद बताएंगे। आंखें खोलो। फिर कर क्यों नहीं रहे? फिर कर क्यों नहीं रहे था? दोनों को पसंद है तो क्या चल रहा है? हम जानते हैं एक दूसरे को कि नहीं जानते हैं? हम शायद सिर्फ एक दूसरे को अच्छा समझते हैं। दिमाग तो है पर है नहीं। दिमाग तो है, दिमाग तो है। को नहीं समझते, एक दूसरे को अच्छा समझते हैं शायद। हाँ। ये है ना, देखा ये होता है असली प्यार। तो फिर दोनों को पसंद है, ये है फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पता नहीं कब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कौन है? किसे अपने आप से ज्यादा प्यार है? कौन अपने आप को बार बार निहारता रहता है? अरे मैं नहीं हूँ इस गेम में दीदी। यार आपने आंसर देख लिया। मैंने यूं क्या? बताओ आपको क्या लगता है? क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड, सबको अपने अपने से ज्यादा किसको प्यार है? हाँ मैं ही। ये तो देखते ही नहीं इतना ज्यादा। मैं सिर्फ मुंह भी सिर्फ धोता हूँ कि साफ सुथरा रहूँ। पर मुझे ये लगता है, मैं अपना राय देती हूँ इसमें, मुझे ये लगता है कि जब तैयार होने की बारी होती है तब दीदी का कंफर्म होता है कि ये पहनना है, ये लगाना है, और होके 5 मिनट में बाहर, और दीदी को ज़्यादा टाइम लगता है। ऑब्सेस्ड तो यार ये भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकती मैं। हम में से कोई भी ऑब्सेस्ड नहीं है, बस ये है, हाँ बस ये है कि तू मुझसे भी कम ध्यान रखती है और मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट नॉर्मल, हाँ नॉर्मल हो जाते हैं। डोमिनेटिंग नेचर किसका है? दो तरीके से, प्यार में और गुस्से में। तो पहले बताओ प्यार में डोमिनेट कौन करता है? ये बहन है मेरी, आगे खोल लो। और मेरी उंगली जाती भी है, दिखती भी है। हाँ दिखती तो है। और बताओ कि गुस्से में डोमिनेट कौन करता है? Obviously. ओके आगे खोलो। You're not a great husband. क्या कह रही है? क्या कह रही है? बताइए कि सबसे ज़्यादा म्यूजिक में टेस्ट सबसे अच्छा किसका है? आखे। क्योंकि मैं तो सुनता ही नहीं ना यार, सुनता ही नहीं हूँ मैं तो। अपने आपको बचाना तो ऐसे कह दो। अरे गलत कह रहा हूँ मैं आज तक कभी गाने तो सुनता हूँ दिखाऊंगा था, और वो ऐसे ऐसे गाने सुना देगी तेरे को, तेरी आंखों से ना पानी बहा दे, वो तो बता दियो। नेक्स्ट इज, इमोशनल कौन है? आंखें खोलिए। दोनों के लिए अलग अलग घंटा बजाऊं क्या? अच्छा देख लिया आंसर क्या है, कह सकते हैं। पर वो वाला, ये वो वाला इमोशनल, या इमोशनल होंगी तो खाऊंगी। वैसे इमोशनल बेटा मैं दिखाता नहीं हूँ, पर हूँ तो मैं भी, तो कोई भी बात कहती है तो मैं मान नहीं लेता हूँ उसको। पर रोते तो नहीं हो? रोना क्या डेफिनेशन हो गई यार इमोशनल रोने की? कौन हमेशा सही होता है? यार ये कैसा क्वेश्चन है, बताओ। हमेशा इन द सेंस, हमेशा। आंखें खोलो। मैं बताता हूँ, मैंने जानबूझ के ये जवाब दिया है क्योंकि नहीं पता था कि ये मेरा ही बोलेगा। नहीं, मैं बताता हूँ मैंने क्यों जवाब दिया है, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ इसको यही लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो भाई यही सही होगी फिर तो, है कि नहीं? है कि नहीं? पर दीदी को अंदर से पता है कि ये बंदा सही होता है। हाँ बातें हमेशा सही निकलती है ना, मतलब ये बोलते हैं इससे ज्यादा बात मत कर, ये अच्छा बंदा नहीं है, मैं करती रहती हूँ और वो बेकार निकलता है। हाँ तो एट द एंड, पर दिमाग तो बंदे में, बीवी को हमेशा सही बताना चाहिए। वही सही होता है ना बंदा तो। हाँ अरे रीमा बहुत तेज हो रहा है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आखिरी सवाल रीमा की तरफ से है, जलना कि रीमा से प्यार कौन करता है ज्यादा? आगे खोलना,
पता चल गया मेरे को। मैं कहते भाई भगवान प्यार करता होगा। पता चल गया मेरे को। भगवान प्यार करता होगा, हम तो करते नहीं। कोई नहीं। है कि नहीं भाई? है कि नहीं? है कि नहीं? हे भगवान। कोई नहीं करता, मम्मी भी नहीं पूछती फोन करके। आज बताता हूँ, आज बताता हूँ। इसने भाई आज इसने आज अपनी मम्मी को फोन किया, बोली कि मम्मी मैं कल आ रही हूँ। बोली हाँ तो मैं क्या करूँ, आ जाइयो। फिर बोले कि नहीं मैं बस बता रही थी। हाँ चल ठीक है। ठीक है बाय। रीमा पोपट हो गया इसका। एलेक्सा आई लव यू। कहते मेरे मत जो। अरे तू तो बोल यार। रीमा वो भी निकलती। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और मतलब खूब हंसी मजाक भी हुआ एक दूसरे के बारे में, और पता चला कि ये मुझे अच्छा मानते हैं, मैं इनको शायद प्यार बरकरार है अभी भी। सीक्रेट ऑफ आवर हैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ ठीक है, किसी को वो रहना है, खुश रहना है अपनी जिंदगी में, तो अपने पति को खुश बताते रहो और पति तुम अपनी पत्नी को सही बताते रहो। बाकी जहाँ फंस जाओ वहाँ हमसे ध्यान ले लेना। हाँ जब भी तुम्हें दिक्कत होती हो कमेंट सेक्शन में डालना, हम जवाब दे देंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। क्या पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया इसका वो भी बताना, और मेरा और हम दोनों के आंसर्स कैसे लगे ये भी बताना, और ये लगा हो कि किसी ने चीटिंग करी हो तो वो भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।